तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं मॉनिटर, एक पीसी मॉनिटर जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे उस मॉनिटर को अनबॉक्स, देखेंगे क्या क्या हम लोग को बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है और करेंगे बात उसके फीचर्स में। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हम लोग का बैंकक्यू की तरफ से आने वाला मॉनिटर, ये हम लोग को ईडब्ल्यू सीरीज देखने को मिल जाता है। ये हम लोग को 2780 ईडब्ल्यू सीरीज देखने को मिलता है जो कि हम लोग को 27 इंच का देखने को मिलता है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को मेंशन किया गया परफेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो चलिए अब हम लोग इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या हम लोग को बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। अनबॉक्स करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह का पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। तो इसका पैकेजिंग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, जो कि काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को देखने को मिल जाता है बॉक्स कंटेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक HDMI केबल देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी देखने में काफी सही देखने को मिल जाती है। तो चलिए मैं इसे साइड में रखता हूँ और हम लोग को यहाँ पे अब दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलता है पावर अडेप्टर। इसमें हम लोग को एक पावर अडेप्टर अलग से दिया गया जिसके थ्रू हम लोग अपने मॉनिटर को पावर देंगे। तो ये एक पावर अडेप्टर है जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सॉकेट दिया गया है और ये हम लोग का पिन है जो कि हम लोग के मॉनिटर में इनपुट होगा। और यहाँ पे हम लोग को पावर केबल देखने को मिल जाता है, यानी कि ये पावर केबल और ये पावर अडेप्टर एक काम का है, यानी कि पावर सप्लाई करने के ये काम आएगा। तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये रहा हम लोग का कुछ यूजर मैनुअल्स जैसा कि हर प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है। और ये रहा हम लोग का स्टैंड, हम लोग इस अपने मॉनिटर को स्टैंड पे भी स्टैंड कर सकते हैं और इसे हम लोग चाहें तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग को दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये दो जो पार्ट आप देख रहे हैं ये दोनों पार्ट हम लोग को स्टैंड के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसे मैं ऑपन करके देखता हूँ इसकी क्वालिटी कैसे देखने को मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को कुछ मेटल प्रोवाइड किया गया और प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक विथ मेटल देखने को मिल जाता है। और ये यहाँ पे आपको टिल्ट मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको टिल्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसकी भी क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। चलिए ये वाला स्टैंड देख लेते हैं जो बेस स्टैंड हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फुल्ली मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके पीछे की तरफ हम लोग को यहाँ पे रबर के पैड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप जिस भी सरफेस पे रखेंगे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये अच्छा ग्रिप भी प्रोवाइड करेगा और ये स्लिप नहीं करेगा अपने सरफेस पे से। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये मैकेनिज्म दिया गया जिससे कि आप इसको अपने इसमें सेट करेंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये भी सेट करके दिखलाऊंगा किस तरह से हम लोग को स्टैंड इस मॉनिटर में सेट करना है। तो ये था हम लोग का बॉक्स कंटेंट और ये जो आप देख रहे हैं नीचे में बॉक्स, यहाँ पे मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसे भी हम लोग हटा के देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का मॉनिटर पैकेजिंग में देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये पैकेजिंग देखने को मिलता है, ये चारों तरफ से पैक देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इसे हटाते हैं, तो ये रहा हम लोग का मॉनिटर। तो चलिए इसे हम लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसे मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से इसे आप लोग अपने स्टैंड में सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग को पैकेजिंग में देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हम लोग का मॉनिटर और यहाँ पे हम लोग को बैंकक्यू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स दिए गए हैं जिसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे हम लोग को स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को स्टैंड का सेटअप देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ हम लोग को कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को वॉल माउंट्स करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसका फ्रंट भी देख लेते हैं कैसा हम लोग को देखने को मिलता है, क्या ये मैट फिनिश है या नहीं। तो देख लेते हैं कैसा ये हम लोग को देखने को मिल जाता है फ्रंट की तरफ से। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें लाइट कितना कम रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को बैंकक्यू की ब्रांडिंग फिर से देखने को मिल जाती है। तो इसका जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त लुक देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सेटअप करते हैं अपने स्टैंड पर, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को दो पार्ट देखने को मिल जाता है स्टैंड का। पहले हम लोग इस दोनों को सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करना बहुत ही आसान, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को स्क्रू देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम लोग को सिंपली इस तरह से इसमें फिट कर देना है। फिट कर दिए आप लोग देख सकते हैं और इसी हम लोग को अब टाइट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे टाइट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर टाइट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इससे हम लोग सिंपली इसे रोटेट करके टाइट कर देंगे। देख सकते हैं ये हम लोग का टाइट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना स्टैंड को बना लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिलता है, इसी हम लोग अपने इस मॉनिटर के यहाँ पे जो इनपुट देखने को मिलता था स्टैंड का, उसमें हम लोग उसको लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग इसको पुट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसे हम लोग सिंपली इसमें आराम से डाल देंगे कुछ इस तरह से। और आप लोग को यहाँ पे स्क्रू देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग सिंपली अपने स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस स्टाइल में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। इसमें बस एक कमी है कि इसमें हम लोग को एक डिस्प्ले पोर्ट्स देखने को मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती, लेकिन हम लोग को इसमें डिस्प्ले पोर्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन HDMI हम लोग को 3 देखने को मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक पावर अडेप्टर के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है और हम लोग को यहाँ पे एक ऑडियो आउटपुट के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग को 3 HDMI, एक पावर एडाप्टर का पोर्ट और एक यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और ये जो हम लोग को ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है, ये हम लोग को 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। और रही बात यहाँ पे हम लोग को ये दो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.5W का स्पीकर देखने को मिलता है दोनों तरफ। तो इसमें आपको डिसेंट सी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, यानी कि ये मॉनिटर है जिसमें कि आपको साउंड क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हम लोग को 4 holes देखने को मिल जाता है, जिससे हम लोग इसे अपने वॉल पे माउंट कर सकते हैं। तो ये है इसके सारे पोर्ट्स के बारे में मैं आप लोग को बता दिया। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसे किस तरह से आप लोग ऑन करेंगे। तो ऑन करना बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसमें अपने पिन को इनपुट करना है। तो कौन सा पिन, जो मैं आपको पहले दिखलाया था, तो चलिए मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। तो ये रहा वो वाला एडाप्टर जिसमें हम लोग को ये पावर केबल वाले पिन को इनपुट करना है, कुछ इस तरह से। आप इसका प्लग देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लग हम लोग को इसमें देखने को मिल जाता है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी इस प्लग की देखने को मिलती है। तो इस केबल को हम लोग इस एडाप्टर में पुट करेंगे और ये जो हम लोग को देखने को मिलता है पिन, इसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए मैं इसे करता हूँ और इसे ऑन करके आप लोग को इसके क्वालिटी के बारे में दिखलाता हूँ। तो मैं इसे कुछ इस तरह से इसमें पिन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया, यहाँ पे अपना वायर लगा दिया हूँ, मैंने यहाँ पे पावर अडेप्टर और वहाँ पे से HDMI भी इसमें मैं अटैच कर दिया। और ऑन करने के बाद ये ऑन नहीं होगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि इसमें आपको इसे भी ऑन करना होगा, पावर ऑन। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे नीचे में बहुत सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक वाइट कलर का बटन देखने को मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, हम लोग उसे सिंपली प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा पावर ऑन। ऑन होते के साथ आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स इसके देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऑन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इनपुट HDMI 3 में है, तो ये HDMI 3 से ये चल रहा है। तो अब मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। यूज है नेविगेट करना, तो आप लोग उससे देख ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को HDRI का बटन देखने को मिलता है, जिससे कि मैं इस स्क्रीन का HDR मोड ऑन ऑफ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिनेमा HDR। फिर यहाँ पे मैं प्रेस करता तो HDR, और यहाँ पे मैं प्रेस करता तो ये ऑफ हो गया। तो सिंपली आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे सिनेमा HDR पे सेट कर रखा हूँ। तो ये है HDR का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फंक्शन बटन देखने को मिलता है HDR का। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके डिजाइन की। तो आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, कितना इसमें बेजल लेस है, ये बहुत ही ज्यादा बेजल लेस देखने को मिलता है। आपको नीचे में ही सिर्फ थोड़ा सा बेजल देखने को मिलता है, बाकी तीनों तरफ आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बेजल देखने को नहीं मिलता। और इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल जा रही है मुझे। रही बात इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये आपको ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं कि बहुत ही हेवी होगा, हेवी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और ये स्लिम भी देखने को मिलता है, जबकि इसमें आपको 2.5W के स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके लुक के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही जबरदस्त लुक देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ स्क्रीन क्वालिटी आपको दिखा देता हूं। मैं अपने ही YouTube की वीडियोस प्ले करूंगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो आप उस वीडियो की क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसे मत जज कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने स्मार्टफोन से शूट करता हूं अपने वीडियोस को। तो चलिए मैं अपने कुछ वीडियोस इस पे प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूं, प्लस आप इसके साउंड क्वालिटी को भी देख लीजिएगा किस तरह का आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। मैं वीडियोस प्ले करने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको इसमें लो साउंड देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, तो आपको नीचे में नेविगेशन वाला बटन देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग जाके आप उसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इसकी साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी बता देता हूं। मैं अपने साउंड क्वालिटी को फुल कर रखा हूं पहले ही से। चलिए देख लेते हैं कुछ इसके डिस्प्ले एंड साउंड सैंपल्स। अब बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की, तो ये फोन बहुत ही ज्यादा सिक्योर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको एंड्रॉइड 11 है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, उसके बावजूद आपको इसमें थिंक शील्ड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये आपको इंड टू इंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये आपके डाटा को सेफ रखता है बहुत सारे अटैक से, लाइक मालवेयर, फिशिंग, ये बहुत सारे अटैक होते हैं जिससे ये आपके डाटा को सेफ रखता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इसका डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी टेस्ट देख लिया, मैंने जो यहाँ पे वीडियो कैप्चर किया वो अपने स्मार्टफोन से किया, वो भी अंडर 15K वाले स्मार्टफोन से, तो आप उसके क्वालिटी के बारे में तो जानते ही होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप इसके डिस्प्ले क्वालिटी को समझ सकते हैं, ये कितना बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी तो आप लोगों ने सुनी लिया होगा, बहुत ही जबरदस्त इसमें साउंड देखने को मिल जाता है। तो बात करें हम लोग इसके स्क्रीन के बारे में, तो हम लोग इसमें HDR स्क्रीन देखने को मिल जाता है, और इसमें हम लोग को 1080p
यानी कि फुल एचडी स्क्रीन देखने को मिलता है और इसमें हम लोग को 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। तो मैं इसका एक और फीचर्स आपको बता देता हूं, इसमें हम लोग को ऑटो लाइट डिमर देखने को मिलता है, यानी कि ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टर देखने को हम लोग को मिल जाता है। ये वाला जो आप यहां पे देखने को मिलता है आपको, ये इसी में हम लोग को ऑटो लाइट डिमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि आप कैमरा पे देख रहे होंगे ये ब्लिंक कर रहा है, तो आप इसे एक नॉर्मल लाइफ में नेकेड आई से देखेंगे तो आपको ये ब्लिंकिंग नहीं दिखता है, लेकिन आप थोड़ा इसके नजदीक जाके देखेंगे तो आपको वहां पे रेड कलर का ब्लिंकिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन मेरे कैमरा मोबाइल के कैमरा पे बहुत ही अच्छे से वो दिख रहा है। तो ये आपको ऑटो लाइट डिमिंग देखने को मिल जाता है, तो अपने लाइट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को डिम कर लेता है। तो उसे कैसे इनेबल करते हैं मैं आगे वीडियो में बताया हूं फीचर्स, उस फीचर्स में अगर आप जाएंगे तो आई केयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उस आई केयर में जाके आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो वहां से जाके आप इसे इनेबल कर ले तो ये लाइट को सेंस करेगा, सेंस करने के बाद अपने अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये था इसका एक फीचर्स। अब मैं एक और फीचर्स आपको बता दूं कि ये टिल्ट होता है, हाँ ये भी टिल्ट हो जाता है। तो किस तरह से ये टिल्ट होता है मैं आपको करके दिखलाता हूं। तो चलिए कुछ हम लोग इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका साइज आपको 27 इंच देखने को मिल जाता है, इसमें हम लोग को IPS पैनल देखने को मिल जाता है, इसमें हमको LED बैकलाइट वाला टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो कि बैकलाइट टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाता है, इसका रेजोल्यूशन हम लोग को मैक्सिमम 1080p का देखने को मिल जाता है, इसमें हमको ब्राइटनेस 250 निट्स की देखने को मिल जाती है, इसमें हम लोग को HDR भी देखने को मिलता है जिसकी भी ब्राइटनेस 250 निट्स देखने को मिल जाती है, हम लोग इसमें HDR 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसमें व्यूइंग एंगल की बात करें तो इसमें हम लोग को 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है, इसका रिस्पांस टाइम भी अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिल जाता है, हम लोग इसमें 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और रही बात कलर मोड की तो हम लोग इसमें बहुत सारे कलर मोड देखने को मिल जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो तो 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, इसका PPI 82 का है और ये स्क्रीन एंटी ग्लेयर देखने को मिल जाता है, इसमें कलर टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके ऑडियो की तो हम लोग जैसा कि बता चुके हैं इसमें 2.5 वॉट का 2 स्पीकर देखने को मिल जाता है, इसमें हम लोग को हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। अगर इसके हम वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो इसमें हम लोग को 100-240 वोल्ट का वोल्टेज रेटिंग देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके पावर कंजप्शन की तो इसमें मैक्सिमम पावर कंजप्शन 35 वॉट का देखने को मिलता है और नॉर्मल 20 वॉट का देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी आपको 4.4 kg देखने को मिल जाता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो 27 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम लोग को ये आई केयर टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि ये फ्लिकर फ्री देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें हम लोग को लो ब्लू लाइट देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को ब्राइटनेस इंटेलिजेंस भी देखने को मिल जाता है, इसमें हम लोग को कलर वीकनेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें ई पेपर मोड भी देखने को मिलता है और आई रिमाइंडर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके सर्टिफिकेशन की तो हम लोग को इसमें TUV सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट के लिए। और यहाँ पे हम लोग को वीडियो एंजॉयमेंट में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें हम लोग को सुपर रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मार्ट फोकस, HDR आई का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसमें बहुत कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग को गेमिंग में फ्री सिंक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात ये रही, इसमें हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे पावर बटन के बगल में बहुत सारे बटन देखने को मिलते हैं, तो हम लोग को सिंपली ये जस्ट फर्स्ट बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है कि इनेबल फुल फंक्शन, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे से नेविगेट करके इसे कन्फर्म या कैंसिल करना। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पे से इस बटन से ओके कर देता हूँ, तो ये हो गया ओके। उसके बाद सिंपली मैं फिर से इस पे क्लिक करूँगा, अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जस्ट जो भी ऑप्शन है उसके नीचे आपको एक बटन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग को प्रेस करना है। तो सिंपली मैं इस पे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग को बहुत कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि पहला इनपुट का ऑप्शन देखने को मिलता है, दूसरा पे आते हैं तो पिक्चर, तो पिक्चर के अंदर हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे से इसे नेविगेट करूँगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे मुझे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पिक्चर के बाद बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑडियो, आई केयर, कस्टम की भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को सिस्टम का फिर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे आके अपने अकॉर्डिंग इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेटअप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो यही था इसके फीचर्स के बारे में। बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, तो इसके डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी इस प्राइस रेंज में। मुझे ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसके डिस्प्ले की क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ये 27 इंच का भी देखने को मिलता है और इसके डिस्प्ले की क्वालिटी भी जबरदस्त है। तो मैं अगर रिकमेंड करूं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, अगर इस प्राइस रेंज में आप जाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रही बात इसके प्राइस की, तो आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से इसका लेटेस्ट प्राइस एंड लेटेस्ट डील चेक कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सिंपली कमेंट कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।